नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की अहम सुर्खियां। जयशंकर ने यूएन प्रमुख गुटेरेस और यूएनजीए के अध्यक्ष यांग से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान न तो मूर्ति विसर्जन न ही छुट्टियां। इस्लामी कट्टरपंथियों ने धमकी देकर कहा, पंडालों पर लिखनी होगी हिंदुस्तान विरोधी बात। जो सरकार चाहेगी वो अडानी को करना पड़ेगा, नहीं तो धारावी का ठेका वापस ले लेंगे, बोले देवेंद्र फडणवीस। उर्मिला पर कंगना का तंज, निकाह के लिए धर्म परिवर्तन। रंगीला गर्व की दो टुक, जगह और समय तुम्हारा, मैं आ रही हूँ। 27 साल बड़े मुख्यमंत्री पर जब आया दिल, एक्ट्रेस ने पिता के खिलाफ जाकर की दूसरी शादी, बन बैठी 124 करोड़ की मालकी। दिल्ली ईदगाह पार्क के 13,000 वर्ग मीटर जमीन को दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए की संपत्ति घोषित की। मौके पर फोर्स तैनात, यहां लगेगी रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा, दिल्ली ईदगाह पार्क। सुनील गावस्कर ने लखनऊ से अयोध्या जाने वाली सड़क की जमकर की तारीफ, कहा हमें मुंबई के गड्ढों की आदत है। तुमने मूर्तियों को दूध पिलाया, हमें पानी तक नहीं पीने दिया। हमारी 90% आबादी को पढ़ने तक नहीं दिया। कामों में ग्वाल की पोस्टर पर उठे सवाल। आरक्षण से पद तो मिल सकता है लेकिन बुद्धि नहीं, आईएएस टीना डाबी के लिए बोला दुर्गेश पांडे। राजस्थान, अजमेर शरीफ दरगाह या हिंदू मंदिर, धार्मिक स्थल पर बढ़ता जा रहा है विवाद। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की तस्वीरें रेल मंत्री ने शेयर किए, हेलीकॉप्टर से कैप्चर शॉट। जर्मन फोटोग्राफर ने ली चीटी की ऐसी अद्भुत तस्वीर, क्लोजअप शॉट देख हैरान रह जाएंगे आप, 2 करोड़ लोगों ने कही ऐसी बात। वक्फ बिल पर गुजरात में जेपीसी की बैठक में हंगामा, राज्य के गृह मंत्री हर्ष सिंह वीर और असदुद्दीन ओवैसी के बीच बहस। देवरा, जूनियर एनटीआर की देवरा हुई रिलीज, फर्स्ट शो देखने वाले लोगों ने दी ऐसी रिलीज। मुंबई इंडियंस में रुकने के लिए रोहित शर्मा ने रखी 3 शर्तें, नीता अंबानी समेत पूरे मैनेजमेंट के छूटे पसंद। कनाडा में स्टूडेंट वीजा पर आए 950 पंजाबी युवाओं को किया गिरफ्तार, 20 घंटे की बजाय कर रहे थे 30 घंटे का काम, अब पीआर पर लगी रही। यूपी, गाजियाबाद में मौलवी आस मोहम्मद का सिर तन से जुदा करने की कोशिश, सिर तन से जुदा सिखाने वालों को अब भारी पड़ रही उन्हीं की दी गई तालीम। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहे केपी न्यूज़, सुनते रहो। धन्यवाद।